हेलो गुड इवनिंग एंड वेलकम टू विंगजे उड़ान विंगजे उड़ान में आपका स्वागत है सो हमारे जो सीरीज स्टार्ट हुए हैं इकोनॉमिक्स के फॉर जेके पी एस आई उसी को कंटिन्यू करते हुए हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है इसमें वी आर टेकिंग अप विद सम एम सी क्यूज अगेन ऑन पॉवर्टी एंड कुछ हम लेके आए हैं जो कि हमारे रहेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे और डेमोग्राफिक पे ओके सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट टू फंडफंडेड वट इज द फुलॉम ऑफ मुद्रायर सो मुद्रा का यहाँ पे क्या फुल फॉर्म है मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी माइक्रो यूनि डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री स्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड एंड देन मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड री स्ट्रक्चरिंग एजेंसी लिमिटेड सो इसका सही आंसर है आपका बी पार्ट इट इज माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड मुद्रा का ये डेफिनेशन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है क्या दिस वन इज लॉन्च इन टू थाउजेंड फिफ्टीन में ये हमारे पास आई थी जिसके लिए इसमें है हमारे पास फॉर लोन अप टू द लिमिट ऑफ टेन लाख रुपीज टेन लाख रुपीज तक का लोन है फॉर नॉन कॉरपोरेट नॉन फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस फॉर स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस इसमें लोन है अप टू द लिमिट टेन लाख और ये लोन प्रोवाइड कौन करेगा ऑल यूर कमर्शियल बैंक आर आरबीस स्मॉल फाइनेंस बैंक एम एफ आई एंड एनबीएफ ओके ऑप्शन बी इज है राइट आंसर कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच गवर्नमेंट आर एमिंग टू मीट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स इंक्लूडिंग हाफिंग द रेट ऑफ ग्लोबल पॉवर्टी सो मेलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो थे ये हमारे पास कब आए थे कौन से ईयर में ये हमारे पास गोल सेट हुए थे so, it was somewhere around in year हमारे पास एट मेलेनियम गोल्स आए थे टोटल एट गोल्स थे इसमें जो कि थे आपका एक था टू इरेडिकेट योर पॉवर्टी पॉवर्टी के साथ था यूनिवर्सल एजुकेशन सेकेंड यूनिवर्सल एजुकेशन देन जेंडर इक्वेलिटी जेंडर इक्वेलिटी टू बी देयर देन रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना देन इम्प्रूविंग द मेटरनल हेल्थ देन कॉम्बैक्टिंग सम डिसीजेस लाइक एच आई वी एड्स मलेरिया एंड उसके साथ अदर डिजीजेस लाइक देट देन इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड लास्ट था डिवेलप पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट सो ये एट गोल्स आए थे इसमें एंड क्वेश्चन क्या है आपका बाय विच यर गवर्नमेंट्स आर एमिंग टू मीट दिस गोल्स तो ये था आपका बाय द ईयर ऑफ सो कैटेगरी ऑफ पुअर इंक्लूड्स बोथ ऑलवेज एंड यूजुअली पुअर सो अगेन दिस क्वेश्चन इज कौन सी कैटेगरी ऑफ पुअर है जो ऑलवेज और यूजुअली पुअर रहते हैं तो दैट इज क्रॉनिक पुअर वट आर द दायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट्स अप्रोच टू वर्ट एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सो so, कौन सी है गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अप्रोच टूवर्ड्स द रेडिकेशन ग्रोथ ऑरिएूड फॉर वर्क एंड प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज टू द पुअर सो ऑल ऑफ द राइट आंसर दिज आर द्री अप्रोच फॉर गवर्नमेंट जो कि पॉवर्टी रेडिकेशन के लिए यूज की जाती है ग्रोथ ऑरिएड विच इज ऑल्सो योर इंक्रीजिंग जी डी पी ऑफ द कंट्री देन वी हैव फूड फॉर वर्क एंड देन प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक एम्यूनिटीज टू पुअर एंड फूड फॉर वर्क इज जनरली प्रोवाइडिंग फूड जो आपका रहेगा इन एक्सचेंज ऑफ वर्क डन जो काम हुआ है उसके एक्सचेंज में प्रोवाइडिंग फूड सो दीज आर द थ्री बेसिक अप्रोच थ्री डायमेंशन ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच फॉर इडेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी दैट इज ग्रोथ ऑरिएटेड फूड फॉर वर्क एंड प्रोवाइडिंग बेसिक एम्यूनिटीज टू द पुअर कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फाइव थ्री मेजर प्रोग्राम्स एट एम एट इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पुअर आर सो कौन से तीन प्रोग्राम्स हैं हमारे पास विच आर एमिंग टू इंक्रीज योर फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पुअर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी डी एस सिस्टम पोषण अभियान मिड डे मील पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मिड डे मील एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप पोषण अभियान सेल्फ हेल्प ग्रुप और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इसका आंसर आपका विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एज पर दिस करेक्ट कौन सी हैं सो ओनली वन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ पी सिस्टम पोषण अभियान एंड द मिड डे मील ये जो है दिस आर फॉर यूज फॉर द इम्प्रूविंग फूड एंड न्यूट्रिशल स्टेटस ऑफ पुअर पोषण अभियान क्या है पोषण अभियान वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर टू थाउजेंड एटीन इन द राजस्थान झुंझुना डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च हुआ था दिस इज फॉर द न्यूट्रिशन स्टेटस किसका ज्यादा ध्यान में रखा जाएगा एडोलोसेंट गर्ल प्रेगनेंट वुमेन लेक्टिंग मदर एंड द चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ जीरो बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ दे आर इवन गेटिंग द लंच क्वेश्चन नंबर सिक्स द डेमोग्राफिक डिविडेंट इज डेमोग्राफिक डिविडेंट क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंट वी आर हैविंग When working age population is greater than your non-working age population, okay. So that is a demographic dividend. So working age population of fifteen to fifty-nine years, working age fifteen to uh, fourteen to fifty or above sixty. So that is your option A is the right answer. Working age population is fifteen to fifty-nine years. क्वेश्चन सेवन विच ऑज द फॉलोइंग इज अमंग द पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन नाउ इन माइग्रेशन वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ फैक्टर्स पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर ठीक है पुल फैक्टर आर द दो फैक्टर्स जो हमारे रिलेटेड होंगे हमारे डेस्टिनेशन से जहाँ पे हम माइग्रेशन करके जा रहे हैं वो हमारे हैं पुल फेक्ष। फेक्ष। फेक्ष होंगे पुल फैक्टर्स पुश फैक्टर्स होंगे जो हमारे ओरिजन से करते हैं कि हम क्यों वो एरिया को छोड़ रहे हैं ऑरिजन में जो फैक्टर्स हैं सो वो होंगे सोटा द फैक्टर्स सिक्योरिटी ऑफ लाइफ अनएम्प्लॉयमेंट पुअर लिविंग कंडीशन और अनप्रेजेंट क्लाइमेट सो दिश थ्री आर दूस फैक्टर्स आपका आएगा सिक्योरिटी ऑफ लाइफ की आपको जहां अगर आप माइग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम एरिया टू अनदर एरिया बिकॉज यू आर हैिटी ऑफ लाइफ जिस एरिया में आप जा रहे हैं वहां भी आपको अच्छी सिक्योरिटी ऑफ लाइफ मिलेगी दैट्स वाई हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एरिया टू अनदर मूविंग नेंबर एट विच ईयर इज कॉल्ड डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया सो डेमोग्राफिक डिवाइड किस ईयर को कहा गया दैट इज नाइनटीन ट्वेंटी वन क्यों कहा गया डेमोग्राफिक डिवाइड नाइनटीन ट्वेंटी वन को बिकॉज नाइनटीन ट्वेंटी वन वॉज द ईयर जिसमें इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो डिक्रीज हुआ था एंड आफ्टर नाइनटीन ट्वेंटी वन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बी ऑनली इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ इंक्रीज हो रही है आफ्टर नाइन्टीन ट्वेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन

जो है बर्थ दिया जा रहा है बाय बायन सो दैट इज द राइट आंसर फर्टिलिटी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ पीरियड इज कंसिडर्ड पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ सो दैट इज नाइनटीन एटी वन टू टू थाउजेंड वन नाइन This was somewhere around 47.3%. Fertility rate in India is what is the current fertility rate in India? That is 2.2, means a woman in her reproductive time giving birth to 2.2 children. Question 12 Identify the stage of demographic transition model where birth and death rates are high. बर्थ रेट भी हाई है हमारे पास डेथ रेट भी हाई है सो वी आर हैविंग दिस स्टेज वन ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन सो वी आर इन टोटल हैविंग फोर टू फाइव स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जिसमें हमारी नंबर फर्स्ट जो स्टेज आती है हमारी फर्स्ट स्टेज इज द प्री इंडस्ट्रियल स्टेज स्टेज वन इज प्री इंडस्ट्रियल स्टेज ऑल्सो इस स्टेज को हम बोलते हैं हाई फ्लक्चुएशन स्टेज हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेट वेयर वी आर हैविंग हमारा बहुत बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे वी हैव मे बी हैव फे माइंड डिसीज वॉर इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट्स भी ज़्यादा रहेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहेगी वो कम रहेगी रूरल सोसाइटीज़ आर मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सो दिस इज द फर्स्ट स्टेज वी आर इसको हम प्री इंडस्ट्रियालाइजे इंडस्ट्रियल स्टेट भी बोलते हैं और हाई फ्लक्चुएटिंग और जहां पे हमारे दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों हमारे हाई होंगे नेक्स्ट वी हैव स्टेज टू विच इज इवन कॉल्ड एज योर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसमें हमारे पास आएगा और इसको हम कहते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज ठीक है अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज वे डेथ रेट हमारे जो है डेथ रेट स्टार्ट्स फॉलिंग मे बी हमारा हेल्थ सिस्टम इंक्रीज हुआ है सैनिटेशन सिस्टम इंक्रीज हुआ है कंट्री का सो डेथ रेट स्टार्ट फॉलिंग बट बर्थ रेट अभी भी हमारे हाई ही है दिस इज द स्टेज थ्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जहां पे हमारा डेथ रेट फॉलिंग है और बर्थ रेट हमारे अभी भी हाई है नेक्स्ट वी हैव स्टेज थ्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थर्ड स्टेज हमारे पास डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का जिसको हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और लेट एक्सपेंडिंग ओके लेट एक्सपेंडिंग जहाँ पर हमारे इस थर्ड स्टेज में हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही डिक्लाइनिंग होंगे दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं देयर इज अवेयरनेस अबाउट बर्थ कंट्रोल ओके एंड सैनिटेशन हेल्थ फेसिलिटीज भी हमारी इंक्रीज हुई हैं एजुकेशन भी हमारा इंक्रीज हुआ है सो वी आर हैविंग बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट लो नेक्स्ट लास्ट जो हमारी फोर्थ स्टेज हमारे पास आती है fourth stage we are having stabilization stabilization or uh, we are having low stationary very slow increase okay both birth rate or death rate jo hai they are under control population magar abhi bhi hamara zyada rahega they are, both the birth rate and death rate are low and they are under

And death rates are high, so that is your stage one. Coming up to next question number 13: uh, What is demographic transition model? So, what is demographic transition? A graph that plot changes in birth and death rate over time and shows how population grows in response next a graph that plots changes in birth and death rates and migration over time and shows how population grows in response ye migration ko bhi leke hai. graph that plots changes in child mortality and death rates over time and shows population growth in response graph that plots changes in infant mortality people per doctor over time and shows how population grows in response so ये लास्ट के तीनों ही नहीं होंगे ऑप्शन ए इज राइट आंसर कि किस तरह से बर्थ रेट और डेथ रेट चेंज हो रहे हैं ओवर टाइम और में क्या ग्रोथ हो रही है कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेज इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन तो हमारे पास जो थर्ड स्टेज होता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का वो क्या होता है ऑप्शन बी इज राइट आंसर क्वेश्चन फिफ्टीन प्रधानमंत्री जनधन योजना वॉज लॉन्च्ड फॉर सो किसके लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी दिस वॉज लॉन्च्ड फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एंड वेन डिज इट लॉन्च कब ये हुई थी इन द टू थाउजेंड फोर्टीन दो हजार फोर्टीन में प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्सटीन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एम्ड एट प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल सोल्यूशन टू पोअर हाउस रूरल एरिया एलई डी बल्ब और इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल पीपल फैमिलीजन एज द राइट आंसर उज्जवला योजना उज्ज्वला योजना था क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड किया जाए एल पी जी एंड ऑल दैट इसमें जो थे फ्री गैस कनेक्शन भी मिले थे नेक्स्ट आपके आते हैं प्रधानमंत्री उज्जाला योजना तो उजाला योजना में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और फ्री एलईडी बल्ब प्रोवाइड किए गए थे दैट इज उजाला योजना एंड उज्ज्वला योजना इज फॉर क्लीन कुकिंग गैस क्वेश्चन सेवेंटीन प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिसन्स टू द मासेस एंड एट प्राइसेस इट इज इम्प्लीमेंटेड इन विच कोई किस मिनिस्ट्री में आता है वेलफेयर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर सो इट का मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सो ये कब आई थी ये आई थी इन दर टू थाउजेंड एट okay coming up to the next question question number 18 consider the following statements about human development index so it is published by undp united nations uh, development program this is true this year 2020 index has a unique because undp introduced a new feature that is metric carbon footprint and india have improved rank so the right uh, फ द राइट स्टेटमेंट वन एंड टू आर राइट टू एंड थ्री आर राइट वन एंड थ्री आर राइट वन टू एंड थ्री आर राइट सो योर स्टेटमेंट इस मे वन एंड टू आर राइट इट इज़ प्रजेंटेड बाई यू एन डी ठीक है दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ही इसको रिप्रेजेंट करता है एंड इन ट्वेंटी ट्वेंटी इट हैव इंक्लूडेड कार्बन फुट प्रिंट्स दैट कार्बन फुट प्रिंट्स आर गोइंग टू शो कि किस कंट्री का कितना जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैसेज हैं वो कितने जेनरेट किए गए हैं बाय द कंट्रीज एक्शन सो वो भी ये करेगा सो द स्टेटमेंट वन टू आर करेक्ट वॉट इज इंडिया रैंक्स इन वर्ल्ड बैंक कैपिटल इंडेक्स रैंकिंग एज ऑफ फेब्ररी टू थाउजेंड नाइनटीन सो फेब्रवरी टू थाउजेंड नाइनटीन में वर्ल्ड बैंक ने अपना ह्यूमन कैपिटल पे रिपोर्ट पब्लिश करा था उसमें वॉट इज द इंडियाज रैंक इंडियाज रैंक इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन अमंग द वन फिफ्टी सेवन कंट्रीज ओके सो यहाँ तक के यह कुछ क्वेश्चन थे कमिंग नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज जम्मू कश्मीर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंड नाइनटीन सो इट इज सेवेंटीन विद दिस आपके ये कुछ क्वेश्चन है जो कि थोड़ा डेमोग्राफी को कवर कर रहे हैं थोड़ा पॉवर्टी को कवर कर रहे हैं विद दिस नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो गेन आपका एमसी क्यूज पे रहेगा जो हम फिर से नेक्स्ट पेयर ऑफ एम सी क्यूज लेके आएंगे फॉर जेके पी एस सी तब तक से ट्यून्स विद विंग्स एक उड़ान थैंक यू